प्रतिशत पालन हो रहा है, जनता के द्वारा भी और मशीनरी के द्वारा भी। जो लोग कर रहे हैं उस काम को वो भी पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। अगर ये तय है कि 8 बजे उस स्वीपर को वहाँ आना है तो 7:55 पे आएगा, ये नहीं कि 8:05 हो। और अगर ये तय है कि आपको घर का कूड़ा 9 बजे निकालना है तो आप 8:59 पे ही निकाल देंगे। तो ये चीज़ें वहाँ हैं। और प्लास्टिक जितना हम प्रयोग करते हैं उसका 10 गुना वो प्रयोग करते हैं। उनके जो कचरे हैं वो उसी प्लास्टिक में, जैसे पन्नी आप इकट्ठा किए तो एक पन्नी बड़ी होगी, एक छोटी होगी, एक मिडिल साइज की होगी, तो बड़ी पन्नी को चयन करिए और सारी पन्नी उसमें डाल के उसमें गट्ठी मार दीजिए, और गट्ठी मारने के बाद उसको घर के बाहर रख दीजिए, आपका कुछ नहीं लगा। और वो अपना सीधे ऐसे बंडल उठाया हमारा पीपर, अपना गाड़ी में रखा, लेके चला। ये व्यवस्था ब्राज़ील में है, और वहाँ कोई डस्टबिन नहीं है। यहाँ डस्टबिन के बाहर रहता है कचरा, डस्टबिन में कचरा नहीं रहता। आप लोगों ने देखा होगा जितनी भी लोहे की हमारी बड़ी बड़ी डस्टबिन लगी हैं उसमें कोई कचरा नहीं रहता, उसके बाहर ही लोग ऐसे अपना फेंक देते हैं, बाहर पड़ा रहता है, अंदर कोई नहीं डालता। तो वहाँ डस्टबिन का कॉन्सेप्ट ही खत्म। उन्होंने डस्टबिन लगाई है उसके लिए, राह चलते हुए जो पैदल यात्री हैं उनके लिए। जितने खम्भे हैं बोथ साइड्स रोड के, उन खम्भों पर सबसे एक लॉक लगा करके डस्टबिन छोटी छोटी प्लास्टिक की लगा दी है दोनों साइड। अब जो भी पैदल चल रहा है उसको थूकना है, गुटखा डालना है, गुटखा तो वहाँ है ही नहीं है, हम लोग गुटखा वहाँ नहीं खरीद पाए। हम गुटखा खाते हैं, हम लोग गुटखा खाए ही नहीं 7 दिन तक, मिला ही नहीं वहाँ। स्मोकिंग बहुत है, ज़बरदस्त स्मोकिंग खूब होती है वहाँ, और स्मोकिंग जोन्स बने हुए हैं, तो वहाँ स्मोकिंग जोन्स में ही स्मोकिंग कर सकते हैं आप। गुटखा का तो वहाँ कॉन्सेप्ट ही